अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बड़े के पाए, जो कि सर्दियों की खास डिश है ये, और बहुत ही अच्छी लगती है, ताकतवर भी बहुत होती है। तो इसके लिए मैंने ये दो पाए लिए थे बड़े के। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके, इसमें जो बाल वगैरह होते हैं वो साफ करके मैंने 2 गिलास पानी डाल करके इसको बॉईल कर लिया है, और नमक मैंने उबाल के रख लिया है। इसको अच्छे से ये गल गया है, और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, एक नींबू लिया है, थोड़ी सी लंबाई में कटी हुई अदरक, एक मोटी मिर्च, आप इसकी जगह पतली वाली मिर्च भी ले सकते हैं, ये गार्निशिंग में हम यूज करेंगे, और ये 3 बड़े प्याज मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, मैंने उबालने में भी डाला था, और जो थोड़ा मोड़ा कम होगा वो हम मसाले में डालेंगे। 2 टेबल स्पून भरकर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया। ये खड़े मसालों में मैंने 2 तेज पत्ते लिए हैं, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया, इसको मैंने तोड़ लिया है, 2 हरी इलायची हैं, 3 लौंग हैं, 8 से 10 काली मिर्चें हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ वो फटाफट आप तक पहुंचे। देखिए, इसी कुकर में मैंने उबाला था। अगर आप खुले बर्तन में बना रहे हैं तो उसमें 8 से 10 घंटे लग जाते हैं उसको गलाने में, तो इसलिए अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप कुकर में ही गला लीजिए। मैंने कुकर में गला लिया था, 8 से 10 सीटी लगाई थी मैंने उसमें। अभी वही कुकर मैंने ले लिया, इसमें 3 बड़े चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। आप चाहें तो सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, और देसी घी में भी बना सकते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम सबसे पहले जो हमने खड़े मसाले लिए थे वो ऐड कर देंगे। मसाले हमारे थोड़े से भुन गए हैं, अब इसमें हमने जो लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है ये डाल देंगे। आप चाहें तो किसी हुई प्याज की जगह खड़ी प्याज भी यूज कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा मसाला जल्दी बन जाता है। इसको हम हल्का सा भून लेंगे। मैंने पाए उबालते टाइम मैंने उसमें 2 बड़े गिलास पानी डाले थे। लहसुन हमारा भुन चुका है, इसमें हम डाल देंगे प्याज का पेस्ट, इसको भी हमें हल्का सा, ये बहुत ज्यादा गोल्डन तो नहीं होगा लेकिन हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम भून लेंगे। देखिए, प्याज हमने लहसुन अदरक में डालकर 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया था, अब हम इसमें पिसे मसाले ऐड कर देंगे। और इस मसाले को हमें इतना भूनना है कि इसका तेल सेपरेट हो जाए। इसमें हम डाल देंगे 1/2 गिलास के करीब पानी, और इसको हमें इतना पकाना है कि मसाला भी अच्छे से भुन जाए और इसका तेल भी ऊपर आ जाए। देखिए, 1 से 2 मिनट हो गए मसाले को हमें भून पकाते हुए। अब इसमें हम डाल देंगे दही, सॉरी हम आपको दही दिखाना भूल गए थे, 2 से 3 टेबल स्पून हम दही डाल देंगे इसमें। इसको हम आंच तेज करके भून लेंगे। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए और भून लेंगे। देखिए, दही डाल के हमने 2 से 3 मिनट के लिए मसाले को अच्छे से भून लिया है, इसका तेल भी ऊपर आ गया है। अब इसमें हमने जो पाए उबाले थे इसकी पीस डाल देंगे पहले। अभी हमने इसमें मसालों का नमक नहीं डाला है, क्योंकि हमने पाए उबालते टाइम नमक डाल दिया था। देखिए, हमने सारे पीस इसमें डाल दिए, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें जो पाए का पानी बचा हुआ है, जो हमने उबालते टाइम डाला था 1 से 2 गिलास पानी, इसको हम भूनने के बाद डालेंगे। देखिए, 1 मिनट के लिए हमने इसको मसालों में भून लिया है। अभी जो पानी इसका निकला था वो इसमें हम ऐड कर देंगे। आप सालन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि पाए का सालन बहुत से लोगों को पतला पसंद होता है, बहुतों को
ठीक पसंद होता है थोड़ा सा। हमने पाए का जो पानी बचा था वो डाल दिया था। अब ये 2 बड़े गिलास पानी हम और ऐड कर देंगे इसमें, 2 से 2.5 गिलास। सालन आप अपने पसंद के हिसाब से रख सकते हैं, जितना आपको पतला और गाढ़ा पसंद है। अब यहीं पे हम नमक ऐड करेंगे। पहले हम नमक चेक कर लेंगे क्योंकि हमने उबालते टाइम 1 चम्मच नमक डाला था, 1 टीस्पून मैंने नमक डाला था। इसमें हम और नमक ऐड कर देंगे। पूरा नमक मिला के हमने 2 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक हमारा बिल्कुल ठीक है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पका लेंगे। देखिए सालन हमने लगा के इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अगर आप इससे थोड़ा सा गाढ़ा सालन पसंद करते हैं तो थोड़ा सा इसे और पका लें 1 से 2 मिनट के लिए। वैसे इसका सालन पतला ही अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं अच्छा लगता। तो ये हमारा तैयार हो चुका है। गैस हम बंद कर देंगे, इसको डिस आउट कर लेंगे। देखिए पाया हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप इस सर्दी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, मैं हर वीडियो में अपने बताती हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये रेसिपी भी हमारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, और आप अपने कमेंट में बताइए कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।